सो हैलो माई डियर हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम व्यू माई सेल्फ शास्त्रा सो गाइज एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं सो यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेपरेशन आपको अपनी प्रेपरेशन पे जो है वो फोकस करना है बिकॉज यू ऑल नो दैट इट्स हाई टाइम एंड यू हैव टू यूटिलाइज इट बिकॉज दिस टाइम इज़ योर फ्यूचर डिसाइडिंग टाइम सो माई डियर इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब दैट विल prepare you for all kind of hp exams then you are in the right place so please visit our channel playlist hope you will be benefited don't forget to like share and subscribe our channel if you have any queries please let me know so today we'll discussing some previous year questions and along with them we'll doing some important questions so let's begin question number 1 choose the word opposite in the meaning cowardly इसका आपने जो है वो ऑपोजिट वर्ड चूज करना है तो कावर्डली का आपको मतलब पता है कावर्डली किस वर्ड से बना है कावर्ड वर्ड से बना हुआ है ठीक है तो कावर्ड का मतलब क्या होता है शाए कावर्ड का मतलब क्या होता है शाए होता है डरपोक कावर्ड मीन्स डरपोक सो आप बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आई एम वेटिंग प्लीज लेट मी नो आई एम वेटिंग माई डियर सो बताइए बताइए सो देखो साइलेंट होगा नहीं ठीक है ऐसा अगर वर्ड आए कोई जिसमें आपको ऑपोजिट सिनोनिम या कुछ भी ढूंढना सबसे पहले आपने चारों ऑप्शंस को देखना है कि चारों में से कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये एक टिप है आप लोगों के लिए तो इसको याद रखना है साइलेंट हो सकता है नो टिमिड टिमिड किसका टिमिडिटी टिमिड वर्ड से बना है टिमिड किसका ऑपोजिट होता है बोल्ड का बोल्ड टिमिड तो टिमिड का तो वैसे डरपोक हुआ बोल्ड होता है वो साहसी तो ये तो डरपोक हुआ सीक्रेटली सीक्रेटली मतलब कि किसी सीक्रेट को रखना सीक्रेटली कोई काम करना तो करेजियसली बचता है तो करेजियसली करेज वर्ड से मिलके बना हुआ है करेज का मतलब क्या होता है हिम्मत वाला ब्रेफ सो कावर्डली का ऑपोजिट क्या होगा करेजियसली करेजियसली सो इज द राइट आंसर सो सेकेंड चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ बोर बोर का करेक्ट जेंडर होगा आपको मैं बता देती हूँ सो so होगा सो so होगा अब कोई मुझे बता सकता है बोर क्या होता है प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में कि बोर क्या होता है बोर होता है सुअर मेल पिग मेल पिग को हम बोर कहते हैं जो सो होता है वो फीमेल पिग होती है फीमेल पिग होती है ओके समझ गए ईव तो आपको पता है रैम डो ये डियर का होता है मे बी हिंड हिंड हाइंड जो भी आप बोलते हैं ये भी आपको पता है ये भी बोर का होगा नहीं सो जेंडर जो है मैं आपको फिर से बोल रही हूँ ध्यान से जेंडर जो है पढ़ें जो भी आप पेपर्स देंगे उनमें आपको जेंडर आर्टिकल्स प्रपोजिशन हमेशा ही पूछे जाते हैं चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो आए पूछे हमेशा ही जाते हैं फिर क्या आ जाएगा थर्ड चेंज इन टू पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना टी इज नेवर टेक कन बाई अब इन्होंने देखो पैसिव वॉइस लिखा है तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे टी इज नेवर टेक कन बाई मी आपको कहीं से लग रहा है कि एक्टिव वॉइस है इसका सही आंसर बताइए चलो मुझे सही आंसर बताइए ए बी सी डी आई नेवर टेक टी आई टेक टी ने नही आंसर बताइए प्लीज सो so, इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे कोई अब इन दो चेंज इन टू पैसि ये इनका तरीका है रियालिटी में यह एक्टिव वॉइस में जो है वो आपको चेंज करना है ये इन्होंने सिर्फ ऐसे ही आपको लिखा है डराने के लिए तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए सबसे पहले आपने सेंटेंस को देख लेना क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सेंटेंस को देख लेना कि वो पैसिव में कि एक्टिव में ओके सो देख लेना आपने इस चीज को सो आपको पता है जो चीज एक्टिव में होती है है ना जो चीज एक्टिव में होती है वहां पे क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन सब्जेक्ट ही रहता है और ऑब्जेक्ट होता है ठीक है लेकिन जब वो चीज पैसिव में जाती है तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है सब्जेक्ट बन जाता है तो टी क्या है यहाँ पे टी यहाँ पे सब्जेक्ट बना है और ये पैसिव में है तो मतलब टी ने जो है वो क्या बनना है वहां पे ऑब्जेक्ट बनना है एक्टिव में और जो मी है मी जो है इसने क्या बनना है सब्जेक्ट बनना है एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पे देखो टी किसी के लास्ट में किसी के स्टार्टिंग में दिया गया है प्लीज बताइए यस ए वाले में आई नेवर टेक टी हो गया फोर्थ क्वेश्चन इज चूज़ द वर्ड विच एक्सप्रेसेज द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अप्रीहेंड ठीक है आपने जो है सिनोनिम ढूंढना है अप्रीहेंड का एप्रीहेंड का मीनिंग आपको पता है अगर नहीं पता है ना तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ पर पहले आप कोशिश करें ट्राई करें ट्राई कीजिए ए बी सी डी कौन सा सही आंसर होगा आई विल काउंट टिल थ्री वन टू एंड थ्री सही आंसर सो so, देखो अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने जो चारों ऑप्शन आपको दिए हैं ना उन चारों ऑप्शन को आपने जो है वो देखना है मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है अमेज का मतलब आपको पता है अमेज का मतलब सरप्राइज्ड एम्यूज ठीक है वंडर का भी सेम होता है सोचना या वंडर करना या तो फिर एम्यूज मूज सरप्राइज अमेज है ना अप्रोप्रिएट का मतलब पता है सुटेबल होता है अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है सुटेबल होता है योग्य ठीक अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है समझना अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है समझना तो ये तीनों तो पहले ही जो है वो निगलेक्ट हो गई इनको तो हमने अलग कर दिया तो बचा कौन अंडरस्टैंड तो अप्रीहेंड का सही आंसर क्या होगा डी इसका सिनोनिम होगा अंडरस्टैंड क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चारों में से आपने कोशिश करनी है कि आपने मीनिंग ढूंढने की उनके अगर तो आपको पता है सो वेल एंड गुड अगर नहीं पता है तो चारों में से आपने कोशिश करनी है सो so, अप्रिहेंड का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को फिफ्थ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर एक पीस ऑफ लैंड जो कि वाटर से सराउंड होगा सो so, आपको फिर से अगर ये चीज़ नहीं पता है चारों ऑप्शंस को देखें उनके मीनिंग सोचें लॉन का मीनिंग क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर जब तो तक मैं समझा लेती हूँ जिनको आता है वो बताइए लॉन का मतलब क्या होता है ग्रीन ग्रास जो आपके घर में लगी होती है छोटा सा एरिया होता है गार्डन उसको लॉन बोलते हैं आईलैंड क्या होता है आईलैंड ऐसी ऐसा पीस होता है लैंड का जिसके आसपास वाटर होता है ओएसिस ओएसिस आपको पता है क्या होता है ओएसिस जो होता है वो ऐसी प्लेस होती है डेजर्ट में जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं वैसे आपको पता है डेजर्ट में कुछ भी ग्रो नहीं करता लेकिन ओएसिस जो है वो ऐसी प्लेस है डेजर्ट में जहां पे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं हार्बर आपको पता है शिप्स वगैरह होती हैं अगर आप बोल रहे इसका आंसर हार्बर है क्योंकि पीस ऑफ लैंड है वो भी तो नो हार्बर नहीं है क्योंकि हार्बर भी सारी तरफ से कवर नहीं होता है वाटर से उसमें भी बैंक के किनारे होता है कहीं हार्बर मतलब किसी किनारे में होता है तो किनारा अगर हम देखें वन एट्टी पे ही होगा ना वाटर उसमें पीछे तो नहीं होगा पीछे तो ट्रीज वगैरह या कोई भी है ना कोई भी होगा मतलब कि डॉक यार्ड वगैरह बना होगा ओके सो अब इसमें लॉन तो गया ओएसिस भी गया हार्बर भी गया तो बचा कौन आइलैंड बचा क्या आइलैंड आइलैंड एक ऐसा पीस होता है लैंड का जिसके आस पास से वाटर होता है वो बीच में बोलते हैं ना टापू सो so, टापू क्या होता है आईलैंड होता, होता है आईलैंड होता है टापू सो सिक्स विच इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ट्रू ट्रू की कंपेरेटिव डिग्री क्या है अब आपको तो पता ही है बचपन से आप पढ़ ही रहे हैं कि जो ट्रू है ना ठीक है या ट्रू है या कोई और वर्ड भी है ठीक है ब्लैक है ठीक है सो so, आपको पता है फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री समझ लो ब्लैक है ब्लैक पॉजिटिव है कम्पेरेटिव क्या है ब्लैक और सेकेंड डिग्री कंपेरेटिव होती है थर्ड क्या है सुपरलेटिव ब्लैकेस्ट तो आप बता सकते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा आई विल काउंट टू थ्री वन टू थ्री सो द करेक्ट आंसर इज ट्रूअर क्योंकि ट्रू तो होगा नहीं देखो है ना ट्रूअर ये तो स्पेलिंग ही गलत है नन होने से रहा सो इसका राइट आंसर है सो सेवेंथ चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एड एड वर्ड का सिनोनिम तो एड आपने जो मेरे को पता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है ये सो आप बता सकते हैं एड का क्या सिनोनिम होगा यहाँ पे हेल्प रेज राइज एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं होगा चलो एक्सपर्ट नहीं होगा तीनों में से बताओ क्या होगा रेज का मतलब क्या होता है रेज का मतलब होता है एंगर ये भी नहीं होगा एंगर थोड़ी होता है एड सो so आपने अगर फिर से आपको अगर पता नहीं लगता है तो आपने ना इस वर्ड को किसी के साथ कनेक्ट करने, कोशिश करने. की कोशिश करनी जैसे कि फर्स्ट एड बोलते हैं तो फर्स्ट एड क्या होती है फर्स्ट हेल्प ठीक है तो ये ट्रिक है अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता लगती है तो आपने उसको कनेक्ट करना है दूसरे वर्ड के साथ तो फर्स्ट एड होती फर्स्ट हेल्प ठीक है सो so यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा इसका मीनिंग हेल्प आ जाएगा सॉरी यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाएगा इसका हेल्प आ जाएगा ओके सो एट ऑपोजिट ऑफ वर्ड बैरन बैरन का मतलब क्या होता है आपको पता है बैरन का मतलब क्या होता है बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ सो so, इसका मुझे आप बताएंगे ऑपोजिट क्या होगा फर्टाइल होगा डाउट होगा हेल्पलेस होगा कि ग्रो होगा फर्टाइल का मतलब क्या होगा ग्रो फर्टाइल, सॉरी बैरन का मतलब क्या होगा अनुपजाऊ इसका मुझे बताएं ऑपोजिट वन टू एंड थ्री ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैरन बैरन का ऑपोजिट होगा फर्टाइल जहाँ पे हर तरह की चीज उपजाऊ जमीन एक होता है ना बैरन जिसको बंजर जमीन बोलते हैं वहां पे कुछ नहीं उगते डेजर्ट्स वगैरह ठीक है फर्टाइल वो होती है जहां पे कोई भी चीज जो है वो कोई भी फसल आप उगा सकते हैं ओके सो नाइन्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन आपने सुटेबल प्रपोजिशन भरना है शी शाउटेड डैश हिम एंग्रीली बताओ इसका शी शाउटेड डैश हिम एंग्रीली ऑन हिम अपॉन हिम एट हिम नन बताइए 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 प्लीज सो रीजन दे सकता है मुझे प्लीज प्लीज वेटिंग सो एट इसीलिए यहाँ पे होगा क्योंकि मैं आपको बता दू एट जो है वो इसीलिए लगा यहाँ पे क्योंकि एट जो है वो फीलिंग्स इमोशंस के साथ डील करता है ठीक है क्योंकि आपको पता है फीलिंग जो होती है वो किसका रिजल्ट होती हैं सॉरी एक्शंस जो होते हैं वो किसका रिज़ल्ट होते हैं फीलिंग्स का ठीक है एक्शन जो है फीलिंग का रिजल्ट होते हैं ठीक है अब मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है गुस्से वाली ठीक है मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं बाहर क्या रिएक्शन दूंगी एंगर दिखाऊंगी चीखूंगी चिल्लाऊंगी ठीक है अगर मैं अंदर से उदास होंगी तो मैं क्या रिएक्शन दूंगी मैं रोऊंगी सो so, इस वे में जो है वो ये ऐट जो है लगता है क्योंकि ऐट मैं आपको बता दूँ फीलिंग जो होते हैं वो रिलेट करते हैं एक्शंस के साथ एंड वाइस ऑफ वाइस वॉइस मींस ऑपोजिट मतलब एक्शन भी फीलिंग्स के साथ जो है वो रिलेट करते हैं तो ऐट वहीं पे लगता है जहाँ पे इमोशंस वगैरह की बात हो जाती है बिहेवियर की बात हो जाती है वहाँ पे ऐट लगेगा ऑन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑन आपको पता है समझ लो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल तो टेबल क्या है सर्फेस एक्ट करेगा ऑन कब लगता है जब कोई चीज़ जो है वो टच कर रही है समझ लो टेबल के सर्फेस को बुक टच कर रही है तो जो चीज़ टच करती है तब क्या लगता है ऑन लगता है ठीक है अपॉन कब लगेगा अपॉन तब लगेगा जब एक सरफेस होता है ठीक है उस पर दूसरा मूविंग सरफेस जो है मूविंग जो बॉडी होती है वो अटैक कर दे जैसे कि मैं बोल द द अपॉन गोट गोट तो goat जो है वो एक सरफेस होगा जिसके ऊपर जो है लाइन जो कि एक मूविंग सरफेस है उसने अटैक कर दिया अटैक कर दिया ओके okay? सो so, समझ आ गया और प्रपोजिशन और आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं फिर बोल रही हूँ जो भी आप एग्जाम देंगे वेदर इट्स ऑन नेशनल लेवल और इट्स स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका जो है वो प्रेपोजिशन आर्टिकल जेंडर नाउन नंबर ये सब पूछे जाते हैं और ये पक्का ही पूछे जाएंगे चाहे दो आए तीन आए और जेबीटी के एज फार एज एज फार एज जेबीटी टेस्ट इज कंसर्न तो वहां पे जो है वो आपके तीन या चार क्वेश्चन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पे आएंगे ही आएंगे मैक्सिमम थ्री रख लो फोर रख लो मैक्सिमम मिनिमम थ्री ओके सो so, टेंट चूज द सुटेबल आर्टिकल यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे बता सकता है कोई मुझे इनको देख के लगते हैं आर्टिकल आपको पता है ना जिसके वर्ड के आगे आर्टिकल लगाना होता तो है उस वर्ड को देखते हैं बाकी नहीं देखते तो विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश वर्ल्ड बताइए 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 कमेंट सेक्शन में सो so, इसका राइट right आंसर क्या होगा लॉन्गेस्ट रिवर क्या है अगर मैं बोलती विच इज रिवर विच इज डैश रिवर इन डैश वर्ल्ड सो so, यहाँ पे रिवर था एक पर्टिकुलर रिवर नहीं रिवर तो बहुत ज्यादा होते हैं है ना रिवर तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट तो एक ही होगा ना हर कोई रिवर तो लंबा नहीं होगा एक रिवर लॉन्गेस्ट होगा तो इसीलिए द हो गया यहाँ पे ठीक है द मिल गया हमें दो 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 ऑप्शन में द है अब अब आप बताइए कि आगे वर्ल्ड वाले में क्या लगेगा यस वर्ल्ड भी एक पर्टिकुलर है तो वहां पे भी जो है वो द लगेगा तो करेक्ट ऑप्शन है सी जहां पे पर्टिकुलर चीज की बात आ जाती है वहां पे क्या लगता है द लगता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड वर्ड्स इज मिस सो अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल्स पर वीडियो बनानी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ए और एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है जब पर्टिकुलर की बात जाए तो ए और एन नहीं लगता ए तब लगता है जब प्रोनाउंसिएशन में किसी वर्ड की प्रोनान्िएशन में जो है कॉन्सनेंट की आवाज़ आए तो अ लगेगा एन तब लगेगा जब किसी वर्ड की प्रोनासीशन में वॉबल की आवाज़ आए तो एन लगता है सो so, विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड गलत है इनमें से एक्सेप्ट मिशीवियस डेब्ड कलर अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक्सेप्ट जो है वो गलत है पर ऐसा नहीं है आपको पता है ये होमोफोन्स होमोनीम्स की कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे दो वर्ड जिनकी सेम प्रनाशन होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है ठीक है होमोफोन्स की कैटेगरी में आएंगे ठीक है तो एक्सेप्ट ए डबल सी ई पी टी वाला भी होता है ये एक्सेप्ट भी होता है मिशीवियस लिखा है यहाँ पे डेब्ड लिखा है और कलर कलर की स्पेलिंग ठीक है एक्सेप्ट की भी ठीक है डेब की भी ठीक है ठीक है तो यहाँ पे मिशीवियस की नहीं है ठीक है ना बताओ मिशीवियस की स्पेलिंग में क्या कमी है क्या गलती है मिशीवियस की स्पेलिंग में बताइए बताइए आई विल काउंट टू थ्री वन टू एंड थ्री तो मिशीवियस की स्पेलिंग में क्या गलती है ई नहीं लगाया इन्होंने एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस होना था ठीक है तो यहाँ पे ई नहीं लगाया ये गलती है फाइंड द एरर्स यू शेल गो टूमोरो इसमें एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में कर कीजिएगा जरा एरर फाइंड आउट कौन सा होगा सही नन नहीं होगा मैं आपको पहले बता देती हूँ आप बताइए ए बी सी में से कौन सा होगा ए बी सी में से कौन सा होगा सो so, मैं बता देती हूँ आई और वी जो होते हैं ना आई और वी तो आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता, लगता है शेल लगता है आई वी के साथ हमेशा क्या लगता है शेल लगता है ठीक है लेकिन यहाँ पे आई और वी नहीं है यहाँ पे यू की बात है तो आई और वी के साथ शैल हो गया यू दे ही शी इट इनके साथ क्या लगेगा विल लगता है इनके साथ क्या लगता है विल लगता है सो so, यू तो है नहीं इनकी कैटेगरी में तो यू के साथ तो विल लगना चाहिए तो यहाँ पे क्या लगेगा विल क्या लगेगा विल अब मुझे बताइए फ्यूचर इनडेफिनेट है ना ये ट्रेंड्स फ्यूचर इनडेफिनेट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है कमेंट सेक्शन में बताइए आई एम वेटिंग कौन सी लगती है पी से पी से कौन सी वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन सी वर्ब लगती है, first form होती है. क्या होती है फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगी यू विल गो टूमोरो सी वाले के साथ ठीक है तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है कि गलती क्या है देख लेना है क्योंकि आपको रूल्स पता है ना फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के रूल्स आर क्लियर सो देख लेना टेंसिस के हिसाब से थर्टींथ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड सही से कौन सा वर्ड जो है वो लिखा हुआ है इसमें ये तो होगा नहीं ये तो आपको पता है अकरार्ड ये तो होगा नहीं पता नहीं क्या बन रहा है ये बाकी आप बताइए बी सी डी में से कौन सा होगा जल्दी जल्दी बताइए बताइए सो माई डियर यहाँ पे बी सही होगा क्योंकि अब आपको मैं एक तरीका बताती हूँ इसका अकर की स्पेलिंग क्या होती है ये होती है अकर की स्पेलिंग इतनी डबल सी यू आर ये अकर की स्पेलिंग होती है तो अकर रड अकरड अक रड से मिलके बना ना अकर्ड सो so, रड की स्पेलिंग आर ई डी अलग नहीं होगा रेड अकर्ड सो so, अकर रड सो so, अकड so, हो गया अकर रड अकर रड ठीक है सो so, ऐसे आपने प्रोनाउंसिएशन देखनी है आपको प्रोनाशिएशन आनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है प्रोनाशिएशन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा वर्ड की स्पेलिंग अब मुझे कोई प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बताएगा देखते हैं आप लोगों को कितनी इंग्लिश आती है प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बताइए मुझे कमेंट्स में प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग आती है आप लोगों को बताइए पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन प्रोनाउंसिएशन ओके सो फोर्टीन सुटेबल so, प्रपोजिशन आपने लगाना है हिज फादर डील्स डैश क्लोथ्स हिज फादर डील्स दैट डैश क्लोथ्स यहाँ पे क्या लगेगा ये आप रट लो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये तो हमेशा ही आएगा इसमें इन लगेगा क्या लगेगा इन इन इसलिए लगेगा क्योंकि डील्स जो है यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है नाउन एक्ट कर रहा है कभी कभी तो ये आइडिया देता है ना डील क्या आइडिया दे रहा है उसके ऑक्यूपेशन का जब कोई चीज़ ऑक्यूपेशन का आइडिया दे कोई भी आइडिया दे आइडिया को क्लियर करे तो वहाँ पे क्या लगता है इन लगता है किसी भी प्रकार का आइडिया मिले आपको किसी एक वर्ड से ठीक है जिसके जिसके बाद आपने जो है वो यूज़ करना है प्रपोजिशन तो इन लगेगा वहाँ पे जो भी चीज़ आपको आइडिया प्रोवाइड करेगी ओके सो फिफ्टींथ लास्ट क्वेश्चन आर स्कूल प्रिंसिपल इज गुड राइटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इस सेंटेंस में देखो ना एक वर्ड गलत है कोई बताना है आपने एक वर्ड गलत लिखा एक जो जो है एक वर्ड जो है वो गलत जो स्कूल प्रिंसिपल है इज़ अ गुड राइटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इसमें कुछ स्पेलिंग की गड़बड़ी है बताइए बताइए ये तो बहुत ईजी है तो आप बता ही सकते हैं बताइए वन टू थ्री सो यस इसमें स्पेलिंग गलत है प्रिंसिपल की इसमें स्पेलिंग किसकी गलत है प्रिंसिपल की क्योंकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है ये तो प्रिंसिपल कौन से वाले आगे रूल वाले आगे ये तो आगे रूल वाले प्रिंसिपल सिद्धांत वाले थ्योरम वाले है ना लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसमें क्या लगता है पी ए एल लगता है उसमें क्या लगता है पी ए एल पी आर आई एन सी आई पी एल प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल लगता है ठीक है सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है समझ आ गया है ना क्लियर हो गई हैं आपको चीज़ें सो so, आप प्रिपेयर करें कुछ नहीं समझ आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या जैसे भी आपको सही लगता है अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज जो पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच डियर Take care of yourself.